नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए आज अड़तीस वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रिटर्स नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका क्वेश्चन इस प्रकार है आगे का जीवन कैसा रहेगा हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं इस विषय पर पूर्णता चर्चा कर दीजिए तो निश्चिंत रहें आपके सारे विषय पे आपको उत्तर मिलेगा तो सबसे पहले जब नजर गई थी मेरी इस हथेली पर तो मेरे मुंह से वाह निकला था गजब के योग है हथेली पर बहुत ही बेहतरीन हथेली ये कहना एकदम ही अनुचित नहीं है कि ये महिलाएं जब तक रहेंगी घर में दिक्कतें नहीं होंगी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी तो इस चीज़ को मैं दिखाता हूं और समझाने का कोशिश भी करता हूँ महिलाओं के मैं, मैं क्यों राइट पाम देखता हूँ इस विषय पर मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके जाके देख लीजिए तो सबसे पहले तो ये यहली मुझे इतनी अच्छी लगी क्यों तो मैं एक क्लोजअप पिक आपको दिखाना चाहूँगा ये देखिए ये इनका क्लोज़ अप पिक है जो कि काफ़ी क्लियर है तो देखो पूरी पूरी स्क्वायर पाम है पूरी पूरी तो इस केस में व्यक्ति के मध्यमेज का सफलता मिलती है और जितने सक्सेसफुल व्यक्ति का पाम देखा जाता है सभी का पाम स्क्वायरिस रहता है तो ये एक अच्छी अवस्था है किसी के भी हथेली पर पहली चीज़ आपने देखा दूसरी प्रॉपरली पूरी की पूरी गुलाबी होते दिखाई दे रही है पाम तो धन की अट्रैक्शन रहती है महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है मूलतः सारे प्लैनेट्स में जुपिटर से लेकर शुक्र तक मूलतः सारे प्लैनेट्स ये बृहस्पति से लेकर आपकी शुक्र तक सारों में काफ़ी उम्दा स्ट्रेंथ है इस बीच में जितने भी प्लैनेट्स आ रहे हैं चाहे आपके शनि सूर्य बुद्ध मंगल चंद्रमा सारों में स्ट्रेंथ मीन्स सारे अच्छे कंडीशन में है तो ये भी एक राज्यों कारक अवस्था है और हथेली को प्रेस करेंगे तो गद्देदार अवस्था प्रतीत होगी तो ये भी राज्यों कारक अवस्था है अब कुछ योगों के विषय में चर्चा करता हूँ और यहाँ पर देखिए चमत्कार हुआ इस हथेली पर एकदम चमत्कार तो वह ऐसे ही नहीं निकला मैं कुछ चाप को दिखाता हूं क्या चमत्कार हुआ है कोई भी जनरल पर्सन अगर देखेगा तो बोलेगा आपकी जीवन रेखा दिक्कत है इसमें आपको तकलीफें आएंगे राहु लाइन भी है टूटी फूटी भी है समझ गए आप लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस विषय पर कोई भी डराए तो डरने की आवश्यकता नहीं है हुआ क्या चमत्कार ये देखिए पहले तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब फील होगी जो अनाडी होंगे उनको लगेगा कि ये काफ़ी डिस्टर्ब है जीवन रेखा बट अगर इस जीवन रेखा पर गौर करेंगे तो यहीं पर से उतनी ही दूर आपकी मंगल रेखा कितनी स्ट्रांग है और मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखाएँ होती हैं आपके अच्छे कर्म की वजह से आपको ये रेखाएं प्राप्त होती हैं आपकी हथेली पर तो देखो कहाँ पर ईश्वर ने कृपा किया कृपा किया इस फेज में और जहाँ पर आपकी जीवन रेखा में भी अच्छे योग है वो भी मैं दिखाऊंगा लेकिन उसको कवर करने के लिए मंगल रेखा बन गई तो मंगल रेखा भी आयु का सूचक होती है और जीवन रेखा का कार्य भी कभी ना कभी करती है जैसा राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है जो तो जब राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं रहते तो उसके कार्यकाल को कौन संभालता है उसके कार्यभार को कौन संभालता है उपराष्ट्रपति तो ये जीवन रेखा अगर प्रेजेंट नहीं भी रहे अगर आपकी मंगल रेखा अवस्थित रहे आपकी जीवन रेखा का वो कार्य करेगी तो इस केस में ये आपकी वहीं पर से है जहां पर से आपको फील हो रहा है कि जीवन रेखा डिस्टर्ब है लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ ना वहां से जीवन रेखा भी डिस्टर्ब नहीं है लेकिन इसको थोड़ा और स्ट्रांग बनाने के लिए स्ट्रेंथ देने के लिए चूंकि यहां पर थोड़ी धूमिल है या थोड़ी कमज़ोर प्रतीत हो रही है देखने वाइज तो इसमें स्ट्रांग बनाने हेतु तो ईश्वर ने दे दिया कि आप कई कई थोड़ा अगर ये कमज़ोर भी रहे ना तो ये फल दे देगा अब मैंने आपको बोला कि ये जीवन रेखा भी वीक नहीं है उसको कैसे क्लियर करूँगा मैं देखो क्लियर करता हूँ कंप्लीट एक तो देखिए इनकी जीवन रेखा यहाँ से गई दूसरी यहाँ पर से कवर करने के लिए जीवन रेखा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है बैकअप के लिए मंगल रेखा है जो कि जबरदस्त है और यहाँ पर से हल्की हल्की धूमिल धूमिल पड़ती तोड़ी है लेकिन फिर भी इनकी जीवन रेखा ने ये मोड़ ले लिया और उसको कवर अप करने के लिए मंगल रेखा है तो यहाँ से आयु में कोई संदेह वाली बात नहीं है आयु को लेकर ऐसे भी आयु को लेकर सोचिए ही मत लेकिन ऐसा भी मैंने सत्तर वर्ष की अतिली को देखा है जिसमें ऐसी अवस्था बनी हुई थी और कहीं ना कहीं काफ़ी वीडियोस हमारे यूट्यूब पर है किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर होगी मुझे याद नहीं है ठीक से तो लेकिन मैंने बनाया है तो इसमें भी मंगल रेखा प्रॉपर्ली थी जीवन रेखा डिस्टर्ब था वो लोग अच्छी तरह से बचे अपने जीवन पर तो कहीं ना कहीं जो हमारा आधार बिंदु है हमारे एक्सपीरियंस के तहत भी होता है हमारे जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके तहत भी होता है तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चिंत रहें इस जीवन रेखा को लेकर सोचने की आवश्यकता एकदम नहीं है मंगल रेखा कवर करने के लिए बाकी यहाँ पर से ना ये एक अच्छे योग का निर्माण कर रही है अभी आपकी बयालीस वर्ष की आयु है अगर मैं इस एज को बताऊँ तो थर्टी सिक्स नहीं इनकी थर्टी एट ईयर्स की आयु अभी फ़िलहाल अगर इसको काउंट करो तो और इनका ये आयु आ रहा है तकरीबन आप देखो तो बाईस ये तकरीबन आपकी थर्टी टू ईयर्स और यहाँ पर से ये देखो आपकी हाँ ये क्लियर है ये आपकी आ रही है थर्टी एट ईयर्स की आयु यहाँ पर से ठीक है और वहीं पर से देखो तो आपकी जीवन एक प्रोग्रेस लाइन है तो फोर्टी में बड़ी तरक्की का योग है ये फेज़ तो आपका निकल गया और यहाँ पर से इतने स्ट्रांग राहुल लाइन भी नहीं थी जो परेशान करे तो मंगल रेखा ने इसको कवर अप किया और ये फेज़ आपका निकल गया तो सोचने की आवश्यकता एकदम नहीं है एक प्रूफ आपको मिल चुका है कि आप उस एज को पार कर चुकी हैं और वैसे कोई स्वास्थ्य की विशेष कम परेशानी भी मुझे नहीं दिख रही है इसीलिए एकदम इस लाइन के विषय में ना सोचे या जिस किसी की भी हथेली पर है अगर यहां पर मैं फोर्स कर रहा हूं ना तो तो हमारे वीडियोस देखने के बाद आपको यही बेनिफिट मिलता है एक तो सही जानकारी मिलती है दूसरा आप कभी डरते नहीं है और कुछ योग को आप खुद भी देख के समझ सकते हैं और खुश रह सकते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कभी कभी क्या होता है आधा जानकारी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है वो किसी भी चीज में हो किसी भी चीज में हो हमारे द्वारा जो उपाय भी दिया जाता है या जो चीजें मैं प्रोवाइड भी करता हूं उपाय के सेंस में वो भी कहीं ना कहीं फुल्ली वेरीफाइड रहती है अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं लेंगे लेकिन हमारे कार्य है हमारा ये काम है तो मैं आपको उपाय के लिए जरूर एक बार बोलूंगा करना है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं किसी को हमारी बातें समझ में आती है किसी को नहीं आती है जिसको आती है वो बहुत लाभ पाते हैं अपने जीवन पर जिसको नहीं आती वो भी लाभ पाते हैं लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो नहीं पाते हैं ऐसा मैं क्यों बोलूंगा वह आपकी मानसिकता है तो उपाय अगर मैं कुछ दूं तो उसको अवश्य करें दूसरा अगर आप देखें तो इनकी एतली पर यह जो अभी आपका फेज है ना थर्टी थर्टी एट तो 38 के बाद एक बड़ी तरक्की है फोर्टी इयर्स में बड़ी तरक्की है नो no डाउट लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना एक फोर्टी टू के ही एवज में फोर्टी टू फोर्टी थ्री में एक राहुल लाइन का कट भी है तो मैं इनके रिगार्डिंग कुछ उपाय दूंगा आपको निश्चिंत आप बाद बाकी देखो तो फिर कंटिन्यू इनकी प्रगति बनी हुई है कंप्लीट इनकी प्रगति में कोई संदेह नहीं है भयानक प्रगति गजब की बनी हुई है और ये आगे भी चल रही है उसके बाद तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है ठीक से फील करें तो यहाँ पर से भी आपको प्रोग्रेस लाइन प्रतीत हो जाएगी तो इसलिए इस जीवन रेखा के विषय में इतना बताया गया क्योंकि यहां पर यह बताने वाला चीज था चलिए तो ये चीज़ें समझ गए तो ये भी कोई विशेषकर दिक्कत नहीं है एक उपाय इस राहुल लाइन के तो मैं आपको दे दूंगा अब अच्छा क्यों है तो देखो अभी इनकी कंप्लीट तरक्की के योग बने हुए हैं जब जीवन रेखा पर ऐसी आकृति बन जाए तो तरक्की मिलती है लाइफ चेंजिंग तरक्की मिलती है, याद रखना और कंटिन्यू इस बेसिस पे बनी हुई है और इनका क्वेश्चन भी था इनके नाम से व्यापार कैसा रहेगा तो देखिए व्यापार करिए जरूर लेकिन फिलहाल का जो एक राहुल लाइन है ना ये बहुत नज़दीक है तो इसके लिए थोड़ा उपाय ले करिए व्यापार क्यों नहीं कर सकते इनके नाम से तो कुछ भी कर सकते बट थोड़ा सा इसके लिए आप नॉर्मल नॉमिनल्स आए वो आपकी इच्छा तो आप जरूर कर लेना बाकी इनके देखो प्रगति के जो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं काफ़ी अच्छे जीवन भर प्रगति मिलेगी गारंटी हमारी है कंप्लीट कंप्लीट तो कोई संदेह नहीं है पहला तो ये अच्छा योग था दूसरा इनकी फेट लाइन ना ऐसे चली है देखो मैं फेट लाइन को थोड़ा क्लियर करता हूँ कंप्लीटली इनकी फेट लाइन देखो इनकी फेट लाइन ऐसे चली है। ऐसे चल के यहाँ पर से यहाँ ऐसे आई है अगर आप ठीक तरीके से इनकी फेट लाइन को अगर आप फील करेंगे देखेंगे तो इनकी फेट लाइन यहाँ से आके सीधी यहाँ पर रुक गई है ठीक है एक तो फेट लाइन का ब्रांच ये था और दूसरा ब्रांच इनकी फेट लाइन का वहीं पर से क्लियरली होके आगे चला अभी इनकी थर्टी एट ईयर्स की आयु है तो देखो फेट लाइन का तो बहुत अच्छा साथ है मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी इस फेट लाइन के साथ डेवलप्ड है अब उसको भी मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ ये देखिए स्ट्रांग मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो कि आपकी थर्टी ईयर्स की ही अराउंड थी थर्टी ईयर्स के अराउंड उसके बाद से इनकी फेट लाइन ने अलग ही ब्रांच लिया और अलग ही खूबसूरती के साथ ये आगे बढ़ी है तो ये कुछ इनके अतली पर हो रहा है और ये दो तीन बनके बनी है तो ये अच्छे योग है विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं की सूचक बन रही हैं और फिर कंप्लीटली एक सूढ़ी रेखा भी इनकी बेहतरीन होकर आगे चली है तो वी आकृति सूढ़ी रेखा के साथ बंदा बहुत है और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग इनके सूर्य पर्वत पर भी बने हुए हैं तो इस केस में व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलता है बाकी सूर्य रेखा भी इनके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है और लकी होने का परिचय करा रही है स्ट्रांग सूर्य रेखा और एक मंगल क्षेत्र से भी रेखा आ रही है मतलब कोई कमी नहीं है बिजनेस प्रोस्पेक्टस से योग अभी डेवलप कर रहा है और ये डेवलप करेगा ही आगे बुद्ध पे कंप्लीट खड़ी लाइंस तो इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार समझदारी से काम करने वाला तो ये सारी अवस्था आपको तरक्की नहीं दिलवाएगी ये तो संभव ही नहीं है होगा कंफर्म होगा बट थोड़ा कुछ चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको है मैं बताऊंगा क्या जब एनालिसिस करूंगा ना चीज़ों को कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा थोड़ा एग्रेशन भी मुझे दिख रहा है इस केस में तो ये इनका मैंने बताया जो अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आई थी अभी इनका प्रश्न था आगे का जीवन देखिए फोर्टी टू के बाद ना फोर्टी टू या फोर्टी वन में एक हल्की दिक्कतें हैं तो उसके बाद से फोर्टी फोर से तो गजब की तरक्की का होगी कंप्लीट गए कम्प्लीट बने हुए कम्प्लीट तो तरक्की के लेके सोचने की आवश्यकता एकदम से नहीं है आप कंप्लीट तरक्की करोगे फीट लाइन का भी अच्छा साथ है जो मैंने दिखाया तो अभी इनके पाप का मैं जनलिसिस करूँगा चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा तो मैं इनका दूसरा पिक लाना चाहूँगा ये इनका दूसरा पिक है तो सर्वप्रथम देखिए तो जैसा मैंने बताया कि एकदम स्क्वायरिस्ट अवस्था है तो मध्य में इसका सफलता दूसरी गुलाबी है ये भी अच्छे तीसरी राज्यों का इनको सिक्सटी परसेंट फल आ रहा है सिक्सटी परसेंट गिराउंड जो कि बहुत होता है अब इनके थंब की तरफ जाऊंगा स्ट्रांग व्यक्तित्व और इनको सपोर्ट मिल जाएगा अच्छा खासा यवाकृति का फॉर्मेशन इच्छा शक्ति प्रबल तर्क तर्कशक्ति अच्छी डिजायर्स की लाइन बहुत ज्यादा और अपनी सम्मान की रक्षा ईजी वे में कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय इनका थम्भ करा रही है स्ट्रांग एकदम स्ट्रांग फिर देखें समझदारी की तो समझदार भी काफ़ी ज़्यादा है आप समझदारी में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है खड़ी लाइन्स हैं खड़ी लाइन्स है थोड़ी सी ये भी हॉरिजेंटल लाइन्स भी हैं ये कहीं कही ना कहीं आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बनाती है सबसे गुल्ला मिलना आपको पसंद नहीं होगा लेकिन धार्मिक आस्था जबरदस्त पूजा पूजा पाठ के प्रति बेहतरीन आस्था और कैलकुलेटिव तरीके से जीवन को जिएंगे अच्छी है सोच से किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगी और आपकी शुड फिंगर बड़ी है तो काफ़ी हिम्मत थी बुद्ध फिंगर भी बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल में कोई जवाब नहीं समझा रहे हैं तो कोई भी चीज़ आप किसी को भी समझा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से ये चीज़ें हो गई अभी मैं इनके दिखाता हूँ ग्रहों की तरफ तो इनके बृहस्पति इनकी बृहस्पति अच्छी है थोड़ी सी हर्ट लाइन का ब्रांच यहाँ तो क्या होता है ना पारिवारिक मतभेद रहता है या थोड़ी सी दांपत्य जीवन के सुख में कभी कभार कलाक की स्थिति बनती है लेकिन वो प्रारंभिक समय में होती है ये पत्तीस -ति तैंतीस वर्ष के बाद धीरे धीरे ख़त्म होते हुए नजर आती हैं क्योंकि इनकी उतनी तक ही दिक्कतें थी अब बाद बाकी रिलेशन रिलेटिव्स या घर में रिलेटिव्स जो रिलेशन्स होंगे उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें या आपके शत्रुघ्न काफ़ी होंगे जो आपको परेशान करेंगे या आप कुछ बातें ऐसे आपके द्वारा बोल दी जाएंगे या आपके लिए ही बोल दी जाएंगे जो आपको काफ़ी खराब प्रतीत हो बाकी इनकी बृहस्पति काफ़ी अच्छी है ब्रॉड है ऐसे ही महिलाएँ घर को संभालने वाली ही होती हैं दार्शनिक होती हैं बृहस्पति अच्छा हो महिलाओं का तो घर में सदैव उन्नति रहता है और बाकी परोपकार वाली भी कर्म है अच्छा दान दक्षिणा करने में आपको इंटरेस्ट होगा इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है बृहस्पति काफ़ी प्रबल तो ये हस्बैंड के लिए काफ़ी लकी होती हैं अभी इनका क्लियर मैं दूसरे पर सही कर देता हूँ इनके देखो बृहस्पति पे क्या और इंडिकेशंस बने हुए ये तो कंप्लीट था जो मैंने आपको दिखाया अभी बाकी यहां पर खड़ी लाइन खड़ी लाइन में बृहस्पति पे अच्छी ही मानी जाती है और बृहस्पति अच्छी है इनकी बुरी बृहस्पति नहीं है फिर देखिए इनके एतले पर इनकी सेटअप यहाँ से दबावे तो व्यक्ति मेहनत ही मेहनत का फल भी इनको मिल जाएगा सिक्सटी परसेंट के अराउंड और इनकी फेट लाइन ना जीवन के लास्ट पेड़ में ना गजब की बनी हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है और एक विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं को इंडिकेट कर रही है कंप्लीट दो तीन बड़ी बड़ी फेट लाइन बनी हुई है बहुत बेहतरीन नो no डाउट ऐसे इंसान को भाग्य का बहुत बेहतरीन साथ मिलता है बहुत बेहतरीन इसमें कोई संदेह नहीं है फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है तो बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी और सूर्य रेखा इनकी अगर ठीक से फील करें ना तो एक तो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है बाकी इनकी सूर्य रेखा बनी हुई है एक यहाँ से दो है ये भी बनी हुई है और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ या पिता की संपत्ति का साथ इस चीज़ का परिचय करा रही है तो सूर्य पर काफ़ी अच्छे इंडिकेशन बने हुए हैं और सूर्य से एक रेखा निकल के आपकी मंगल पर जा रही है तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन सूर्य भी प्रधान है तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए और बुद्ध पे भी कंप्लीट खड़ी लाइंस बनी हुई है तो इस केस में इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और अपने इंटेलिजेंट होने के दम पर ये लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं बुद्ध भी काफ़ी अच्छा है तो बुद्धि विवेक अच्छा और इनके नाम से व्यापार कराने के लिए भी मैं सहमत हूँ आप करा सकते हैं आपको फायदा ही रहेगा इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है फिर देखिए मंगल स्ट्रांग मंगल है एनर्जी अच्छी जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हथेली पर हो तो इस मंगल आ, ये मंगल आपको एक नहीं दो तीन घर मकान दे देता है ये कन्फर्म है ये एकदम कन्फर्म है जबरदस्त है लॉजिकल है चीज़ों को अच्छी तरीके से समझती है और समझ के ही कार्य करती है बेहतरीन मंगल नो डाउट अभी फिर मैं इनके चंद्रमा पर चलूंगा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा जो कि आपकी अच्छाई का सूचक बन रहा है बेसिकली इन लोग का बहुत ज़्यादा यात्रा तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ और ऐसा चंद्रमा रहे तो विदेश में एक बार यात्राएं है होती हैं क्योंकि ये योग बने हुए थे और ये चंद्रमा आपको कन्फर्म आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा पर्सनैलिटी प्रदान करेगा और ये चंद्रमा आपको बहुत अच्छा बनाएगा दिल के काफ़ी आप अच्छे रहेंगे और पूजा पाठ में काफ़ी इंटरेस्ट और ये चंद्रमा आपको एक तेज़ प्रदान करेगा जिसको देख के लोग आपके आपके मतलब कार्य क्षेत्र को देख के या आपके काम को देख के लोग आपके दीवाने हो जाए और ये खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी चूँकि चंद्रमा बहुत अच्छा है फिर देखिए इनके तले पर भाग्य देखा जो कि मणिबन से तो अब काफ़ी अच्छे घर से हैं आप इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है मणिबन से फेट लाइन चलने का मतलब ही वो होता है इन लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं और यहाँ पर से हल का ट्राइंगल डुमा करती भी था इसके इसमें बचपन की ज़िंदगी मैं अच्छा ही देख पा रहा हूँ इसमें कोई तो ऐसा कोई वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था और फिर देखिए इनके दिल्ली पर इनकी शुक्र स्ट्रांग शुक्र कोई दाग ही नहीं है कोई दाग नहीं ऐसे इंसान को तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता लाइफ टाइम बढ़िया हस्बैंड काफ़ी कमाओ इनके भाग्य से इनके हस्बैंड भी तरक्की करेंगे चूँकि शुक्र आपके हस्बैंड का दिखाता है कि वो कितना तरक्की करेंगे अगर आपकी शुक्र अच्छी होगी तो आपको अच्छे हस्बैंड मिलेंगे अब अच्छे किस सेंस में नेचर वाइज तरक्की वाइज पैसे वाइज इसी सेंस में तो होता है आपको कोई विशेषकर दिक्कतें नहीं होंगी तो शुक्र का सारा चीज दर्शा रहा है कि शादी के बाद भाग्य दह होनी तो तय थी तो इनकी शुक्र बहुत जबरदस्त है लाइफ टाइम दिक्कतें नहीं होती लाइफ टाइम मंगल अच्छा पराक्रमी अच्छी है इसमें थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि ये इंसान फालतू का कुछ सोच भी सोचते रहते हैं मन में तो इसको ना करें आप उचित रहेगा आपके लिए बाकी मंगल काफी अच्छा है तो काफी पराक्रमी आप काफ़ी पराक्रमी कुछ कार्य ठान ले तो जरूर करती हैं और इनकी जीवन रेखा भी अच्छी है तो जैसा मैंने बताया पूरा एक्सप्लेन किया गया फोर्टी टू के बाद अच्छी तरक्की है क्लियर कट मुझे तरक्की प्रतीत हो रही है कोई दिक्कत नहीं दीर्घायु एकदम दीर्घायु सेवेंटी ईयर प्लस ठीक है उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आयु को लेकर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है माइंड रेखा भी काफ़ी प्रबल काफ़ी सीधी इंसान सीधा साधा सोच का होता है और भाग्य रेखा के विषय में बताया गया क्लियर कट भाग्य रेखा यहाँ से एक ब्रांच था अट्ठाइस में एक अच्छी तरक्की थी और आपकी तीस वर्ष में अच्छी तरक्की मैं देख पा रहा था तो बाकी इनकी फेट लाइन जीवन के लास्ट तक इनके साथ निभाई हुई है तो भाग्य का उमदा साथ मिलते हुए मैं देख पा रहा हूँ भाग्य के रिगार्डिंग कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है लाइन भी काफ़ी अच्छी थोड़ी इमोशनल है परिवार से प्यार करने वाली है देखो दो ब्रांच यहाँ पर से खुल गई तो इस केस में थोड़ा सा अपने इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करना है बाकी ये अच्छी है बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा दिल दिमाग की काफ़ी तंदुरुस्त कोई संदेह वाली बात नहीं कोई संदेह वाली बात नहीं और एक शूड़ी रेखा इनकी जो बन रही है ना ये बड़ी कमाल की बनी बड़ी, बड़ी कमाल की इसमें कोई संदेह नहीं है स्ट्रांग सूर्य रेखा और इसी सूर्य रेखा के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो कि आपकी प्रारंभिक समय से ही एक्टिवेट थी प्रारंभिक समय से अब मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूं आपको एक तो इनके फेट लाइन के साथ था और दूसरा इनकी सूर्य लाइन के साथ 42 टू ईयर्स से था एक आपकी 30 ईयर्स से ही था और यहां पर से भी आ तो प्रॉपर्टी तो आपका मिलेगा ही मिलेगा बाकी बुद्ध रेखा भी थोड़ी डिस्टर्ब है तो पैसे खर्च हो जाते होंगे लेकिन ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाले हैं क्योंकि धन भंडार बीच में बना हुआ है लेकिन ये बुद्ध रेखा क्लियर होती है ना तो बहुत बेहतरीन बिजनेस में फ़ायदा देगी इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा जो इसके लिए सहूलियत हो काफ़ी ज़्यादा तो ये बुद्ध रेखा बनेगी तो गजब का फायदा देगी तो हथेली बहुत शानदार है बहुत कुछ मिलेगा आगे का जीवन भी मुझे अच्छा दिख रहा है तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे कमेंट कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे अगर आप मेरे से परामर्श परामर्शना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेके आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद